खाते हैं। अरे सरकार सर वोट खाते चौकीदार तुम सावधानी से गेट पे ठाड़ हो जाओ। बाबू हमें खड़ा करेंगे क्या खड़ा कर के नाम पहले लिया कर बारे में कहा था सावधान हो जा। मैं राजा साहब के आवाज लगा रहा हूँ और राजा साहब आएंगे उनसे नमस्ते कर लो। बाबू आप जैसे करियो से कह दे भाई। ठीक है ठीक
हिंदू है तो मुसलमान और छतरी है छतरी और छतरी है ये बरसात हो रहा है तो छतरी लेकर घूम रहा है उस सिंह समाज जिसे कि हाथ में ठाकुर बोलते हैं उन्हें छतरी भी कहा जाता है हमारे समझ में आवत बात क्या नहीं समझ में आ रहा है वो नमस्कार करे है नमस्ते तुझे करने नहीं आता है अगर ऐसा बता देते धीरे धीरे करे आगे बदतमीज ये क्यों नहीं तुमने पहले नहीं बताया कि मुझे नमस्ते करने नहीं आता है अच्छा नौकर मैं इधर से इशारा दे रहा हूँ जैसे मैं इशारा दूंगा उसी तरीके से नमस्ते तुम कर बाबू जी आप जैसे करिए ओके ठीक है ठीक है गलती कभी नहीं करेगा राजा साहब
मुझे काफी दिनों से राजमहल में डिप्टी देते हो गया है। मैं सर कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा होती है तो, आप इजाजत दे देते हैं तो मैं घर चला जाता हूं। मैं घर चला जाऊंगा और जल्दी से जल्द राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा। हाँ सरकार, ठीक है सरकार, मैं एक हफ्ते के भीतर में निश्चित रूप से चला आ जाऊंगा। अरे ये राजा है, राजा ने ये कमीना खड़ा जैसे मन मानुस मन्ना आओ ठीक से बोल, आओ ठीक से बोल। हमने कानून के खिलाफ अगर फालतू भाग होने की कोशिश करना, हम आप हो गया इतनी मानव भक्ति से। मेरे घर सब भाई करे बख्श दवा बताओ झाड़ा फिर बेचारे। मैंने कहा तुमसे सब बैठक लिए सब बैठ करे नालायक कथे की औलाद, मैंने तुमसे कहा सब बैठ लिए ये सब बेचारे। अरे हो गया हनुमान जी की सील लगा के बैठा है। ओके ये कौन सी भाषा रे, इतनी मां मानूंगा सुबह से शाम तक जितना आएगा फैसला बाहर आ जाएगा समझे। नहीं मालूम है कि हमारा नाम और पता क्या है, हमारा नाम कौशल सिंह जमींदार है जो कि हमारे लिए 40 दिन रहते थे कौशल सिंह जिस घड़ी अपनी रजत में चाहते नहीं करता है। तुम आकर सो जाओ बेटा सो जाओ, नहीं तो कौशल सिंह जमींदार आ जाएगी। क्या बताओ यार, अफसोस इस बात के कि जानते हो कौशल सिंह जमींदार कितना बड़ा आईना संसार है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन,